पॉपुलेशन इन द ईयर 2001, इसको बोल दिया पी नॉट, पी जीरो। पी जीरो को लिखा जाता है पी और सबस्क्रिप्ट में जीरो, पी जीरो, और इसको बोलते हैं पी नॉट। तो पी नॉट इज इक्वल टू 8.7 इंटू 10 की पावर 7, ये दे रखा है 8.7 इंटू 10 की पावर 7। 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, उसके बाद क्या हुआ? If the population increases at the rate of 2.5% every year, के हर साल population increase होती है at the rate of 2.5%, ठीक है? तो R is equal to कितना दे रखा है? 2.5% per year, ये हो गया इतने रेट पर वो इंक्रीज होती है हर साल, ठीक है? और वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2021, तो 2021 में कितनी होगी पॉपुलेशन। तो अगर मैं 2021 माइनस 2001 करूं, तो हमारे पास 2021 माइनस 2001 अगर हम करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि n है 20 इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स n is equal to, ये है 20 years. Therefore, population of India in 2021 is equal to, इसको capital P बोल दीजिए, formula P naught टू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो पी इज इक्वल टू पी नॉट कितना है 8.7 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस आर कितना है 2.5%, यानी कि 2.5 अपॉन में 100 तो है ही, और n कितना हो गया 20 हो गया, पॉइंट गया तो नीचे आ गया एक जीरो, 25 फोर जा 100 और एक जीरो आ गया। तो p इज इक्वल टू 8.7 इंटू 10 की पावर 7, प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 40 की होल पावर 20। अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 8.7 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 1, यानी कि 41 अपॉन 40 की होल पावर 20, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा log on both sides, taking log on both sides, log p is equal to log 8.7 into 10 to the power 7 multiplied by 41 upon 40 to the whole power 20, ठीक है? ये हो गया। तो फिर वही चीज याद रखेंगे कि log a into b क्या हो जाएगा, log a plus log b, तो ये हो जाएगा log p is equal to log 8.7 into 10 की पावर 7 plus log 41 upon 40 की होल पावर 20, ये हो गया। अच्छा, फिर यहां पर भी वही वाला फंडा कि log a into b क्या हो जाएगा, log a plus log b, तो log p
इज इक्वल टू लॉग 8.7 प्लस लॉग 10 की पावर 7 हो गया प्लस ये पावर में 20 है तो फ्रंट में आ जाएगा प्लस 20 लॉग 41/40 ये हो गया फिर लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ये हो जाएगा 8.7 इसके आगे दो जीरो और लगा दो क्योंकि मुझे ओवरऑल चार डिजिट्स चाहिए होती हैं जब भी मैं कोई लॉगरिथम निकालता हूं तो मेरे को ओवरऑल चार डिजिट्स चाहिए होती हैं तो लॉग 8.7 तो 8 और 7 दो डिजिट हुई दो जीरो और लगा दिया तो टोटल चार डिजिट हो गई मेरे पास और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ है ही नहीं और लॉग 10 की पावर 7 तो ये हो जाएगा 7 लॉग 10 ठीक है प्लस लॉग 41/40 क्या हो जाएगा लॉग 41 माइनस लॉग 40 तो प्लस 20 तो है ही और ब्रैकेट में लॉग 41 माइनस लॉग 40 ठीक है अब क्या करेंगे अब सबसे पहले तो ये देख लो कि जैसे ये 8.7 है तो मैं तो चार डिजिट्स देखूंगा तो 87 को चेक करूंगा जीरो पर लॉग टेबल निकाल लीजिए चेक करो जरा 87 को देखना है जीरो पर देखेंगे तो ये है 9395 ठीक है 9395 और 0.9395 लिखेंगे क्योंकि यहां पर 10 की पावर 0 है इसलिए 0.9395 लिख रहा हूं मैं इधर लॉग पी इक्वल टू 0.9395 ठीक है उसके बाद लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और ये है 7 तो प्लस का 7 इंटू 1 उसके बाद 20 है इट इज 1 और ब्रैकेट में लॉग 41 को हम क्या लिखेंगे लॉग 4.1 इंटू 10 की पावर 1 लॉग 4.1 इंटू 10 की पावर 1 और माइनस लॉग 4.0 इंटू 10 की पावर 1 अब जैसे ये 4.1 है तो इसके आगे एक जीरो और लगा दो और एक जीरो और लगा दो कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसी तरह से 4.0 है इसके आगे दो जीरो और लगा दो बताइए जी समझ में आ गया केपी यस सर केपी क्लियर है प्रतिन आवाज आ रही है यस सर आ रही है ओके ओके 7.9395 प्लस 20 41 को जीरो पर चेक करेंगे लॉगरिथम 41 को जीरो पर चेक करेंगे 41 की जीरो पर वैल्यू है 6128 तो 6128 हो जाएगी लेकिन 10 की पावर 1 है तो 1.6128 माइनस 40 को जीरो पर चेक करेंगे तो 6021 तो 1.6021
log t is equal to 7.9395 plus 20 multiplied by 8 minus 1, 7, 2 minus 2, 0, 1 minus 0, 1, 6 minus 6, 0, 1 minus 1, 0, 0.0107. Log P is equal to 7.9395 plus 20 into पॉइंट अगर चला जाए तो जीरो ये पॉइंट गया तो 00107 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं चार हैं 1 2 3 4 एक जीरो से एक जीरो कट गया इसको मल्टीप्लाई करो 7.9395 प्लस 2 7s are 14 2 0s are 0 or 1 1 2 1s are 2 2 1 4 upon 1000 तो 3 0 काट देंगे तो 1 2 3 0.214 और एक जीरो और लगा दो ताकि पॉइंट के बाद इधर भी चार डिजिट हो जाए इधर भी चार डिजिट एडिशन में आसानी होगी तो log p is equal to 5 plus 0 5 9 plus 4 13 वन कैरी आ गया 1 plus 3 4 4 plus 1 5 9 plus 2 11 वन कैरी आ गया 1 plus 7 8 तो log p is equal to 8.1535 ये हो गया अब ये करने के बाद में फिर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो ये क्या हो जाएगा p is equal to एंटी लॉग 8.1535 ये हो गया तो एंटी लॉग लेते टाइम क्या करेंगे इस 8 को तो 2 मिनट के लिए भूल जाइए 15 को देखोगे 3 पर और फिर जो वैल्यू देखो आएगी उसको 5 वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे तो 15 को देखिए 3 पर एंटी लॉग टेबल में 15 को देखेंगे 3 पर तो 15 की वैल्यू 3 पर कितनी आ रही है 1422 और फिर 5 पे 2 है तो 1422 प्लस 2 1424 इसको ऐसे लिखेंगे P is equal to 0.1424 फिर यहां पर 8 लिखा हुआ है तो 8 का मतलब क्या है कि 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 तो ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को 9 डिजिट्स राइट में शिफ्ट कर देंगे कैसे इधर तो 4 ही डिजिट है तो 9 डिजिट बना लो पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया 10 और लगाओ इसको 9 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दिया ठीक है तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1 4 2 4 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतनी पॉपुलेशन हो गई 2021 में ठीक है अब इसको इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1.4 इंटू 10 की पावर 8 आपने यहां से काउंट करा राइट से और देखा कि मैं डेसिमल से पहले बस एक डिजिट रखना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 1.4 into 10 की पावर 8 बताइए क्लियर है यस सर ठीक है जी रतिन क्लियर है यस सर ठीक है उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर टू में देखिएगा In 1980, the population of the state of Andhra Pradesh and of France was roughly the same, about 5.4 into 10 to the power 8.
If the population of Andhra Pradesh grows at the rate of 2.4% per year and that of France grows at the rate of 1.8% per year, show that in the year 2100, the population of Andhra Pradesh will be roughly twice that of France. In the year 2100, the population of France, the population of Andhra Pradesh will be roughly twice that of France. So, पहले हम निकालते हैं आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन, फिर निकालते हैं फ्रांस की पॉपुलेशन. लेकिन ये दे रखा है कि इन द ईयर 1980 दोनों की पॉपुलेशन सेम थी. एक मिनट रुकिए बस. तो 1980 में 1980 है और फिर वो बोल रहे हैं 2100, यानी कि कितना टाइम हो गया, पूरे 120 इयर्स हो गए. तो n की वैल्यू तो हो गई 120. तो एग्जांपल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू में 1980 द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑफ फ्रांस वाज रफली द सेम और 5.4 × 10⁸. ठीक है, तो अगर मैं इनिशियल पॉपुलेशन की बात करूं तो उसको हम बोलते हैं, पहले तो देखते हैं आंध्र प्रदेश का केस. आंध्र प्रदेश और इसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसको मैंने बोल दिया पी नॉट 5.4 × 10⁸ और इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 2.4% पर ईयर. एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 120 ईयर्स. n इज इक्वल टू 120 ईयर्स. तो पॉपुलेशन क्योंकि आंध्र प्रदेश के निकाल रहे हैं तो पी ए सबस्क्रिप्ट में लिख दिया पी ए. तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 + r/100 की होल पावर n. तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट कितना है, 5.4 × 10⁸ multiplied by 1 + r कितना 2.4/100 की होल पावर 120. ये हो गया फिटिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. या एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं पहले इसका. तो पी ए इज इक्वल टू 5.4 × 10⁸. जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 2.4/100 की होल पावर 120. ये इज इक्वल टू 5.4 × 10⁸
और ये हो जाएगा 102.4 अपॉन 100 की होल पावर 120। अब इससे क्या होगा, दो जीरो काट दीजिए तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ गया, यहाँ से चला गया, ये हो गया 1.024। इतना हो गया 1.024 की पावर 120। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आप लॉग ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग पी ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5.4 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.024 की होल पावर 120। ये हो गया, हम इस तरफ कर रहे हैं आगे इसको। log a into b, तो क्या इसको क्या करेंगे, log a plus log b, log a is equal to log 5.4 into 10 की पावर 8, है ना, ये तो हो गया log a plus log b plus log 1.024 होल पावर 120। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा कि ये है जैसे 1.024 की होल पावर 120, तो जो पावर है ये 120, ये यहां पर फ्रंट में आ जाएगी, और इसको क्या लिखो, इसको ऐसे लिख दो लॉग 5.4 और इसके आगे दो जीरो लगा दो ताकि टोटल चार डिजिट बन जाए, बन गई इंटू 10 की पावर 8। आप चाहो तो लॉग 5.400 प्लस लॉग 10 की पावर 8, मतलब इसको लॉग ए इंटू बी, लॉग ए अलग और लॉग बी अलग 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 करके लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और ऐसे करोगे तो भी ठीक है, रिजल्ट दोनों ही केसेस में सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद ये जो ऊपर पावर है ये फ्रंट में आ जाएगी, प्लस 120 लॉग 1.024 ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दीजिए 10 की पावर 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। यहां तक समझ में आ गया बेटा दोनों को, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि अब लॉग टेबल देखनी होगी, तो देखिएगा यहां पर 54 को चेक करेंगे 0 पर, लॉगरिथम 54 को 0 पर देखेंगे तो ये वैल्यू है 7324, ठीक है, और यहाँ है 10 की पावर 8, तो 8.7324 हो जाएगा, 8.7324 ये हो गया। फिर देखेंगे प्लस 120 और 10 को देखेंगे 2 पर और फिर 4 पर, लॉगरिथम 10 को 2 पर देखना है पहले, 10 को 2 पर देखा तो 0086 और फिर 4 पर 17, तो 0086 0086 और 17 कितना हो जाएगा 103, तो 0.0103
0.0103 ये हो गया, यहां से पॉइंट गया तो नीचे वन और फिर एक दो तीन चार, चार जीरो, वन टू थ्री फोर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ट्वेल्व से इसको मल्टीप्लाई करिए, लॉग पी ए इज इक्वल टू 8.7324 प्लस 12 थ्री जा 36, थ्री कैरी आ गया, 12 जीरो जा जीरो और थ्री थ्री, 12 वन जा 12, ठीक है, अपॉन 1000 ये कट गया, 1.236 हो गया, इनको दोनों को ऐड कर दो, log p 1.236 फिर आगे एक जीरो लगा दो, तो 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9.9684 ये हो गया log p a। फिर p a क्या होगा, एंटी log 9.9684, 96 को 8 पर देखना है, फिर 4 पर देखना है, क्या देखना है, एंटी लॉग, नाइन्टी सिक्स का एट पर हो गया 9290 और फिर 4 पर 9298 हो गया, 0.9298 यहां लिखा हुआ है, डेसिमल से पहले लिखा हुआ है 9, तो 9 का मतलब क्या हो गया, 9 प्लस 1 यानी कि 10, 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो इस पॉइंट को आप 10 डिजिट इधर खिसका देंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो लगा दिए, उसके बाद इसको कितनी डिजिट्स इधर खिसकाएंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे 10 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर, तो डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, PA is equal to 9298 और कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर इसको 10 की पावर के टर्म्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो जाएगा PA is equal to 9.298 into 10 की पावर 9। पहले ये बता दीजिए ये क्लियर हो गया? Yes sir। ये क्लियर हो गया केपी? Yes sir। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन, इसके बाद इनिशियल पॉपुलेशन को यही लेते हुए फ्रांस की पॉपुलेशन निकालेंगे। फ्रांस की पॉपुलेशन अपने आप कर लोगे बताइए? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये अपने आप करना, एग्जांपल नंबर 3 भी अपने आप करना, एग्जांपल 4 देखिएगा, एग्जांपल नंबर जो 2 है इसका फ्रांस वाला अपने आप करना, और आपको ये प्रूव करना होगा कि ये जो पीए निकला है, आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन निकली है, पीए जो निकली है, ये पीएफ यानी कि फ्रांस की पॉपुलेशन से ट्वाइस होगी, डबल होगी, ये चीज आपको प्रूव करनी होगी, हो जाएगी ये प्रूव। एग्जांपल 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द ईयर 2014 वाज 150,500, इफ द एनुअल इंक्रीजिंग ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव इयर्स बी एट द रेट ऑफ 7%, 8% and 6% respectively, 7%, 8% and 6% respectively, find the population at the end of 2017. तो 2014 में इतनी population है, तो जब भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर
रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रखा है वो तो पावर में थ्री कर देते हैं हम, मान लीजिए 3 साल का दे रखा है ना, तो अगर 3 साल दे रखा है तो पावर में 3 कर देते हैं, लेकिन अगर अलग अलग ईयर का अलग अलग दे रखा है तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, example 4, the population of a town in the year 2014 was 150,500. ये तो initial population थी, फिर rate of interest 3 consecutive years के एक के बाद एक, जैसे 2014 में इतनी population, 2015 का rate of interest दे रखा है कि किस rate पर population बढ़ी, 2016 का दे रखा है कि किस रेट पर पॉपुलेशन बढ़ी, और 2017 का दे रखा है, 15, 16, 17 तीनों का दे रखा है। तो पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7%, फिर दूसरा है 8%, फिर तीसरा है 6%, 7%, 8%, 6%। Find the population at the end of 2017, ठीक है? तो अब हम ये कहेंगे P is equal to P naught into 1 plus R1 upon 100। अगर तीनों में rate of interest, अगर तीनों में जो rate है वो अगर same होता, अगर तीनों में, तो तुम्हें क्या कहता कि 3 साल है तो power में 3 आ जाता, लेकिन तीनों का अलग अलग है तो formula ना जरा सा change हो जाता है। 1 plus R1 upon 100 multiply by 1 plus R2 upon 100 multiply by 1 plus R3 upon 100, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद P is equal to P naught कितना है, 150,500, 1 plus 7 upon 100, 1 plus 8 upon 100 और लास्ट में 1 plus 6 upon 100। अब इनका एलसीएम ले लो, 150,500, 107 upon 100, 108 upon 100, 106 upon 100। ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। P is equal to ये पूरा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 150,500 मल्टीप्लाई बाई 107 मल्टीप्लाई बाई 108 मल्टीप्लाई बाई 106 अपॉन में 100 कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए हमने, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, लेकिन ऊपर आकर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, मल्टीप्लाइड बाई 107 मल्टीप्लाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 4। बताइए बेटा, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है रतिन? क्लियर है? रतिन क्लियर है इतना? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी,
अब मैं क्या करूंगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो P इज इक्वल टू 1.505, तो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर 1, 2, 3, 3 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाया, तो ये हो जाएगा 10^3. 107, इसको क्या लिखूंगा, 1.07 इंटू 10^2, क्योंकि 2 डिजिट काउंट करके 10^2 मल्टीप्लाई बाई 108, तो 1.08 इंटू 10^2. 106 को क्या लिखेंगे, 1.06 इंटू 10^2, और लास्ट में है 10^-4. अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है, इधर करूंगा देखिएगा, ये 10^3, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9, 9-4 कितना हो गया, 5 हो गया. तो P is equal to, P is equal to 1.505 multiplied by 1.07 multiplied by 1.08 multiplied by 1.06 into 10^5. 10^5. अब कर दीजिए logarithm, taking log on both sides. Log p is equal to log 1.505 into 1.07 into 1.08 into 1.06 into 10^5. ठीक है, तो जब लॉग के अंदर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो सारी टर्म्स को अलग अलग लॉग के साथ लेकर ऐड करा जाता है. जैसे लॉग ए इंटू बी वो हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, log a into b into c वो हो जाता है log a plus log b plus log c. तो इसी तरह से ये बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबको अलग अलग log लेकर ऐड कर देंगे. log p is equal to log 1.505 plus log 1.07 plus log 1.08 प्लस लॉग 1.06 प्लस लॉग 10^5, ये हो गया. अब देखिएगा, जैसे लॉग 1.505 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, बस 10^0 और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो लिखने की जरूरत होती नहीं. मुझे क्या करना होगा, 15 को चेक करूंगा 0 पर और फिर 5 पर. ठीक है, लॉग देखना है मेरे को, 15 को 0 पर और उसके बाद फिर 5 पर. 15 0 पर है 1761 और फिर 5 पर कितना है 14. 1761 और 14 कितना हो जाएगा 1775, 0.1775. log 1.07 का मतलब 10 को चेक करिए 7 पर, log 10 की वैल्यू 7 पर है 0.294, तो 0.0294. फिर log 1.08 का मतलब 10 को चेक करिए 8 पर.
10 को 8 पर चेक करेंगे तो 0.34, तो 0.034 फिर 10 को चेक करिए 6 पर, 10 को चेक करेंगे जब 6 पर तो 0.0253 और log 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 log 10, इन सबको ऐड कर दो, log t, 5 plus 4 9, 9 plus 4 13, 13 plus 3 16, 1 carry आ गया, 1 plus 7 8 plus 9 17 plus 3 20 और 5 25, 2 carry आ गया, 2 plus 7 9 plus 2 11 plus 3 14 plus 2 16, 1 carry आ गया, 1 plus 1 2 plus 0 2 plus 0 2 plus 0 2 0.2656 प्लस log 10 होता है 1 और 5 into 1 5 हो जाएगा, तो ये log p कितना हो गया 5.2656, p is equal to anti log 5.2656, तो 26 का 5 पर देखो anti log, फिर 6 पर देखो, ट्वेंटी सिक्स का फाइव पर 1841 और फिर सिक्स पर 1841 और सिक्स पर 3 1844 हो गया, पी इज इक्वल टू 0.1844 और ये फाइव है, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स हो गया, तो इसको सिक्स प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 0 ऑर्डर लगा दिए, इसको सिक्स प्लेसेस उधर 1 2 3 4 5 6, तो p इज इक्वल टू 184400, ये हो जाएगी पॉपुलेशन, बताइए क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, इतना कर लो और इसके बाद में ना आप इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, ये 4.2 करिए कंप्लीट, कोई नई चीज नहीं है इसमें, बस यही फॉर्मूला है, तो आप करिएगा इसको, बाकी परसों देखता हूं मैं, ठीक है? थैंक यू सर, चलिए जी फिर, ओके।